Hello students, in our today's drawing topic we are going to learn object drawing and it is with pencil shading. Let's start with geometrical shape of object. It is rectangular in shape and we will divide it in two parts with a vertical line. It is a dustbin, a basic shape of dustbin. It is plastic dustbin. Man-made objects are made up with plastic, metal. So we are using here a earthen pot also. It is also a man-made object. It is a burny. It is vessel which is with lid. Lid is kept beside this vessel. बच्चों, आज का हमारा ड्राइंग टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग और वो भी पेंसिल शेडिंग से। तो यहाँ पे दो मैनमेड ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं। पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिर उसे डिवाइड कर लिया वर्टिकल लाइन से, फिर हमने डस्टबिन का रफ शेप ड्रॉ कर लिया। प्लास्टिक डस्टबिन जो होता है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है और दूसरा एक अर्दन पॉट है जो बर्नी है और उसका लीड जो होता है वो बाजू में रखा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे हाईलाइट का पोर्शन मार्क कर रही हूँ। हाईलाइट मीन्स एक्सेस लाइट, जहाँ पे ज़्यादा चमक होती है लाइट की तरफ, जहाँ पे चमक होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसे हम कहते हैं हाईलाइट। पेंसिल शेडिंग के लिए हमें 2B, 4B और 6B पेंसिल चाहिए और एक नॉन डस्ट इरेजर। स्टूडेंट्स, व्हेन वी ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप इट इज़ कॉल्ड गाइडलाइंस। सो व्हेन आवर ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग इज ओवर वी विल इरेज इट विथ अ नॉन डस्ट इरेजर एंड देन वी विल स्टार्ट शेडिंग। स्टूडेंट्स, शेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने जो रेक्टेंगल बनाया था डस्टबिन के शेप के लिए, जो ज्योमेट्रिकल शेप था वो हमारा गाइडलाइन था, तो वो मैंने पहले इरेज कर लिया, वो नॉन डस्ट इरेजर से इरेज कर लिया। फिर जहाँ भी हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग की लाइंस के लिए गाइडलाइंस लेते हैं वो हमारे ड्राइंग परफेक्ट होने के लिए, सिमेट्रिकल होने के लिए होता है, तो वो हमें नहीं रखना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के लाइंस हमें रखने हैं। फिर शेडिंग स्टार्ट करने के लिए हाईलाइट मार्क कर लिया, फिर यहाँ पे 2B पेंसिल, 4B पेंसिल और 6B पेंसिल हमें यूज़ करनी है। पहले 2B पेंसिल से पूरा मैंने शेडिंग कर लिया, हाईलाइट पोर्शन जो मार्क किया था वो छोड़ के पूरा शेडिंग कर लिया। अभी मैंने 4B पेंसिल से मिडल टोन यहाँ पे दिखाना शुरू किया है शेडिंग में। तो मिडल टोन कहाँ पे होता है, लाइट के बाजू में मिडल टोन होता है, और 6B पेंसिल से डार्क पोर्शन। यहाँ पे भी प्रेशर कम ज़्यादा करके हम टोन्स अलग अलग दिखा सकते हैं, शेडिंग अलग अलग दिखा सकते हैं। यही पेंसिल 4B पेंसिल लेके भी किया, तो थोड़ा प्रेशर बढ़ा के मिडल टोन से ज़्यादा और अच्छा डार्क टोन आ जाता है। और 6B पेंसिल लास्ट यूज़ करना है जहाँ पे हमें ज़्यादा डार्क दिखाना है। तो ये आप प्रैक्टिस करने पर समझ जाओगे कि कैसे शेडिंग किया जाता है। आपको अलग अलग तरीके के पेंसिल्स यूज़ करके ये शेडिंग सीखना है। बच्चों, यहाँ पे डार्क पोर्शन कहाँ दिखाना है वो देख लीजिए। ये डस्टबिन का जो लीड है वो लगाया हुआ है, तो ऊपर की तरफ वो लीड है, तो नीचे की तरफ वहाँ पे थोड़ा डार्क पोर्शन है, और यहाँ पे बॉटम में भी, डस्टबिन के बॉटम में भी डार्क पोर्शन दिखाया है। और यहाँ पे पूरा फ्लैट शेडिंग नहीं करना है, जैसे डस्टबिन का शेप है उसी तरह थोड़ा थोड़ा शेडिंग कर लिया है, तो वो 3D इफ़ेक्ट और रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आ जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का शेडो भी दिखाना है, और शेडिंग कंप्लीट होने पर एक, जैसे मैंने यहाँ पे कॉटन क्लॉथ लिया है वैसे लेके स्मजिंग टेक्निक जैसे इसे मर्ज करना है, और फिर नॉन डस्ट इरेजर से जो हाईलाइट मार्क किया था वो नॉन डस्ट इरेजर से सिर्फ उतना ही हमें इरेज करना है। तो यहाँ पे नॉन डस्ट इरेजर यूज़ करने पर वो हाईलाइट अपने आप दिखने लगता है। तो ऐसे ही हमें पूरा शेडिंग कंप्लीट करना है। यहाँ पे बॉटम में और डार्क पोर्शन मैं यहाँ दिखा रही हूँ, तो ज़्यादा डार्क पोर्शन बॉटम में होता है और वहीं पे शैडो होता है,
नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट का शेडो हमेशा लाइट के अपोजिट होता है, ये आप ध्यान रखिए। अभी ये ऑलमोस्ट डस्टबिन का शेडिंग कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट जैसे मार्क किया, वैसे डार्क टोन भी थोड़ा सा ज़्यादा मार्किंग करना है। और ये होने पर डस्टबिन का शेडिंग कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है बर्नी। वो है एक वेसल जो दो कलर में होता है, आपने ये देखा होगा। ये मिट्टी का बना हुआ होता है और उसमें बहुत सारा ग्लेज होता है, जैसे कप एंड सॉसर में शाइन होता है उसी तरह इसमें भी शाइन होता है, मतलब चमकीला होता है। इसका सरफेस दो कलर का होता है, ऊपर की तरफ ये ब्राउन होता है और नीचे की तरफ ये ऑफ वाइट होता है। तो ये शेडिंग से ही हम पेंसिल शेडिंग से दो कलर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया पोर्शन, तो ऊपर की तरफ मैं डार्क कर रही हूँ शेडिंग और नीचे की तरफ एकदम हल्का सा 2B का शेडिंग करना है। एकदम कम से कम प्रेशर यूज़ करके वो शेडिंग करना है। और ये जो लीड है वो भी यहाँ पे बाजू में रखा हुआ है। यहाँ पे हमने हाईलाइट पहले ही मार्क कर लिया था ऑब्जेक्ट में। अभी यहाँ पे जहाँ बर्नी का शेप चेंज हो रहा है वहाँ पे हम डार्क पोर्शन दिखाएंगे। और ऊपर की तरफ ये जो ब्राउन होता है बर्नी, तो वहाँ पे थोड़ा डार्क शेडिंग करेंगे। तो अपने आप ये कलर जैसे है वैसे हम इसमें पेंसिल्स यूज़ करके शेडिंग करेंगे। तो ये पेंसिल तो नॉर्मल पेंसिल 2B4 भी है, लेकिन हमें इसमें कलर के इफ़ेक्ट दिखाने हैं। तो डार्क कलर है वहाँ पे हम डार्क शेडिंग करेंगे, और ऑफ वाइट कलर है वहाँ पे 2B शेडिंग। स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, सो ऑल ऑफ यू शुड कंप्लीट दिस इन योर प्लेन ड्राइंग बुक। हियर आवर सेकेंड ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ वेसल इन 2 कलर। स्टूडेंट्स, फॉर दिस टाइप ऑफ शेडिंग where dark portion we want to show, we will use dark pencils, that is 4B and 6B. And for the light portion which is light in color, we will use 2B pencil and 4B pencil with less pressure. And also shadow of the object, it is at the bottom. Students, here I am showing some dark portion at the bottom of this vessel, and here lead kept beside this object that also has shadow. Both the objects together we are showing here highlight. Use non-dust eraser for showing highlight. 6B पेंसिल से डार्क पोर्शन दिखाने के बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है।